फ्रेंड्स, हमने जो है वो 1 नवंबर 2021 से हज 2022 की एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू किया था और 21 जनवरी 2022 को एप्लीकेशन देने की लास्ट डेट है। और मुझे खुशी है इस बात की कि 100% ऑनलाइन और डिजिटल जो हमारा हज का प्रोसेस हुआ है इंडिया का, उसका नतीजा है कि आज जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन 20,000 से ज्यादा अभी तक हमारे पास आ चुकी है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट 60% के इर्द गिर्द मोबाइल ऐप के जरिए आई है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि इन जो 20,000 के इर्द गिर्द एप्लीकेशन है उसमें 50% खवातीन की है, वुमेन्स की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों में हज का जो प्रोसेस है, हज के यात्रियों यात्रा का जो प्रोसेस है, उसमें कई इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए गए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग हज, आसानी से और सरलता से हज हो सके, इसका रास्ता तय हुआ है। हज सब्सिडी खत्म हुई, उसके अलावा बगैर महरम जो खवातीन थी जो हज पर नहीं जा सकती थी, इस बंदिश को खत्म किया गया और बिना महरम भी खवातीन हज पर जा रही है। हजारों की तादाद में अब तक जा चुकी है और अभी तक हजारों की तादाद में उनकी एप्लीकेशंस आ चुकी है। उसके अलावा इंडिया पहला मुल्क है जिसने 100% डिजिटल हज व्यवस्था की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसका कि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका खैर मकदम हुआ है। हमारे जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्हें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, उनका भी पोर्टल बनाया गया है ताकि किसी तरह की भी कोई उसमें गड़बड़ी ना हो सके और उनको सारी चीजें अपनी बतानी पड़ती है कि वो कहां पर कितने पैसे लेंगे, किस जगह पर जो जाने वाले उनके जरिए जो लोग हैं वो कहां ठहरेंगे, और सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है। तो एक ट्रांसपेरेंसी आती है और साथ ही साथ लीकेज की गुंजाइश बहुत कम होती है। उसके अलावा भी हम मिनिस्ट्री और हज कमेटी उस पर और भी चेक एंड बैलेंसेस करती है। उसके अलावा जो हमारा डिजिटल हेल्थ कार्ड है, ई मसीहा है, हेल्थ फैसिलिटी है मक्के मदीने में, उसके अलावा जो है वो ई टैगिंग है, ये सारी चीजें हम यहीं से करते हैं ताकि यहां से जो लोग जाना जाएंगे उनको जो है वो उनको पता होगा कि उन्हें किस बिल्डिंग में रुकना है, किस ट्रांसपोर्टेशन से कब जाना है, कहां से रहना है। ये सारी चीजें जो है, ये सुविधाएं इन सालों में जो ईज ऑफ डूइंग हज का हमने प्रोसेस किया है उसका नतीजा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ इंडोनेशिया के कुछ हजार, 2-4 हजार ज्यादा है, अदरवाइज इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो है वो एक नंबर पर हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन का जो दोनों डोज है वो जो हम जो लोग हज यात्रा पर जाएंगे उनके लिए कंपल्सरी है और उन्हें तो दोनों डोज जो है वो लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट की भी हम सुविधा यही हिंदुस्तान में देंगे ताकि 72 आवर बिफोर उनका आरटीपीसीआर भी हो सके। हज ऑनलाइन ऐप को हमने और ज्यादा
स्ट्रेंथन किया है और भी जो लेटेस्ट फैसिलिटीज है उससे हमने जोड़ा है। अभी जो इससे पहले बिना महरम 2020 के हज के लिए और 2021 के हज के लिए एप्लीकेशन आई थी अप्रॉक्सीमेट लगभग 3,000 गेंद गिर थी वो भी, और प्लस इस बार भी लगभग 100 एप्लीकेशन अब तक आई है जो और बढ़ेगी, यानी जो अभी की तारीख में जो है वो 3,000 से ज़्यादा जो है वो बगैर महरम जो खवातीन हैं जो महिलाएं हैं वो हज पर जाएंगी और वो भी विदाउट लाइट। इस बार जो है वो कई कोरोना के बाद ये कोशिश है इंशाल्लाह कि हज हो इस बार, तो इम्बार्केशन पॉइंट 21 थे, हर आदमी हर स्टेट चाहता है कि उसके यहाँ इम्बार्केशन पॉइंट हो, हम भी चाहते हैं कि इम्बार्केशन पॉइंट होना चाहिए, लेकिन सऊदी अथॉरिटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन होम मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री और भी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हज कमेटी ऑफ इंडिया सारे जो एक और फिर सीजीआई जत्ता एम्बेसडर हमारे सऊदी अरब के सभी लोगों ने डिस्कशन के बाद ये तय किया कि हम 31 नहीं बल्कि इस बार 10 इम्बार्केशन पॉइंट से जो हमारे हज यात्री हैं वो जाएंगे, और उन 10 इम्बार्केशन पॉइंट में अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, कोची है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है और श्रीनगर है। इन सारे इम्बार्केशन पॉइंट से अलग अलग स्टेट्स को और अलग 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 इलाकों को कलेक्ट किया गया है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि जैसे अहमदाबाद इम्बार्केशन पॉइंट है वहाँ से गुजरात के सारे यात्री जाएंगे हज यात्री, बेंगलुरु इम्बार्केशन पॉइंट से कर्नाटक आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के हज पिलग्रिम जाएंगे, कोची इम्बार्केशन पॉइंट से केरल लक्षद्वीप पौंडीचेरी तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के हज यात्री हज यात्रा पर जा सकेंगे, दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से दिल्ली के पंजाब के हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ के उत्तराखंड के पश्चिम यूपी के और राजस्थान के हज यात्री हज यात्रा पर जा सकेंगे, बड़ा इम्बार्केशन पॉइंट है, वैसे भी दिल्ली काफ़ी बड़ा, दिल्ली और मुंबई काफ़ी बड़ा रहता ही है पहले भी। गुवाहाटी इम्बार्केशन पॉइंट से आसाम के लोग, मेघालय के हज यात्री, मणिपुर के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के और सिक्किम के हज यात्री हज यात्रा पर जा सकेंगे। हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। कोलकाता इम्बार्केशन पॉइंट से पश्चिम बंगाल उड़ीसा त्रिपुरा झारखंड और बिहार के हज यात्री हज 2022 में जा सकेंगे। लखनऊ इम्बार्केशन पॉइंट, लखनऊ इम्बार्केशन पॉइंट में जो पश्चिम यूपी है उसको छोड़ दीजिए, पश्चिम यूपी का मतलब है गाजियाबाद मेरठ मुरादाबाद ये एरिया जो है ये जो है ये दिल्ली से जाएगी, लेकिन उसके लखनऊ इम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले हैं। मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट, यहाँ पूरे महाराष्ट्र से जाने वाले हज यात्री जाएंगे, मध्य प्रदेश से के हज यात्री जाएंगे, छत्तीसगढ़ के हज यात्री जाएंगे, दमन द्वीप के जाएंगे, दादर नगर हवेली के जाएंगे, गोवा के हज यात्री और श्रीनगर गोवा के हज यात्री और श्रीनगर इम्बार्केशन पॉइंट से जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के हज यात्री भी हज यात्रा पर जा सकेंगे। गोवा के जाएंगे मुंबई से, लेकिन जो श्रीनगर का हमने बताया वो श्रीनगर के लेह जो अभी लद्दाख है करगिल है वहाँ से और श्रीनगर के हज यात्री जाएंगे। ये इस तरह का एक पूरा ईज ऑफ डूइंग हज, आसान सरल और सुलभ हज हो सके इसकी हमारी कोशिश है, और ये 2 सालों का जो बहुत बड़ा गैप था उसका भी कोशिश है कि इस बार अच्छे से अच्छा हो। प्राइवेट जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं यानी हमने जिनका कि एजियो
उनके जो है वो होटल भी जल्दी ओपन होने वाला है, उसको भी हमने कुछ कंप्लाइंसेस कम कर रहे हैं और उसको जो है वो आसान बना रहे हैं। लेकिन आसानी का मतलब ये नहीं है कि उस पर नजर नहीं है, आसानी के साथ साथ उस पर जो है वो सावधानी और नजर भी है, क्योंकि सावधानी हटी तो घटना घटी वाली है, इसलिए ये सारी चीजें भी हम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा हज यात्री हिंदुस्तान से जा सके। जहां तक सवाल है, अभी जो आज की तारीख में अप्रोक्स में 4 लाख के इर्द गिर्द हज यात्रा के लिए एवरेज, कहीं पे कम भी है कहीं ज्यादा भी है, 4 लाख से ज्यादा तो कहीं नहीं है। एवरेज जो है इतना एक हज यात्री का एक्सपेंडिचर आ रहा है, जिसमें एकोमोडेशन है, उनका ट्रांसपोर्टेशन है, एयर फेयर है और सारी चीज। उसके अलावा हमने इस बार जो है वो एक नई चीज की है, वोकल फॉर लोकल, हमारे यहाँ यात्री भी वोकल फॉर लोकल हो गए। वाह। जो हमारी पहले क्या होता था कि पहले बेडशीट, टावल और छाता, पिलो कवर, ये छोटी छोटी चीजें थी जो कि हिंदुस्तान से खरीद करके एजेंसीज वहां बेचती चले जाते, रुपए में खरीद करके डॉलर में बिकती थी। तो इस बार हमने तय किया है कि हम हज यात्रियों को ये चीजें यहीं पे देंगे। जो चीज यहाँ पर जो है वो 20 रुपए की होती थी, वहां 100 रुपए की मिलती थी। तो हमारी कोशिश है कि सभी को मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की मिलेगी और बेहतर क्वालिटी की चीजें हम दे पाएंगे। हाँ, और इसमें कोई हमें ये भी तय किया कि इसमें किसी भी हज यात्री से हम ये चीजें दे रहे हैं तो हम कोई सरप्लस पैसे नहीं लेंगे। जो अभी हमने जोड़ा है उसी उसके अंदर ही है।